अस्सलाम वालेकुम। स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से ज़ख्म बन जाने को गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चेस्ट के मिडल में लिवर के पीछे प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक का एक हिस्सा है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ये फूड को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा स्टमक बहुत से यूजफुल एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है जिससे फूड की डाइजेशन में आसानी होती है, मगर बाज़ूकात स्टमक की लाइनिंग में जख्म बन जाते हैं जिसकी सबसे बड़ी वजह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होने के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं और स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। हमारे स्टमक की लाइनिंग में मौजूद सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिसका अहम फंक्शन स्टमक को उसी में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाना है, मगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया स्टमक में मौजूद म्यूकस को फीड करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से स्टमक में म्यूकस की अमाउंट बहुत कम हो जाती है और इस तरह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर को वीक कर देता है जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम स्टमक की लाइनिंग में इंटर होकर वहाँ शगाफ बना देते हैं जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को स्टमक में शदीद दर्द और जलन महसूस होती है। इसके अलावा वॉमिटिंग आना, खाना खाने के बाद पेट में बोझ महसूस होना, भूख न लगना या जल्दी पेट भर जाना गैस्ट्रिक अल्सर की सिम्टम्स को इंडिकेट करता है। डॉक्टर स्टमक अल्सर को डायग्नोज करने के लिए एंडोस्कोपी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसके अलावा एलर्जी काउंटर ड्रग्स दी जाती हैं जिनमें एंटासिड्स प्रेजेंट होते हैं जो स्टमक की एसिडिटी को कम करते हैं।